खबर सीहोर से है, जहां सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने स्कूली बसों से होने वाले हादसों की रोकथाम के लिए विचार करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। जिला परिवहन अधिकारी रितेश तिवारी ने बताया कि जिले के सभी स्कूलों में संचालित बसों का रंग पीला होना चाहिए। केंद्रीय मोटरयान नियम के अनुसार बसों में स्वच्छ अक्षरों में स्कूल बस और विद्यालय सेवा लिखा होना चाहिए। इसके अलावा स्कूल बस में निर्धारित सीटों से अधिक संख्या में बच्चे ना बैठे जाएं, वहीं सहित तमाम गाइडलाइन भी जारी की गई। समस्त स्कूल संचालकों को, प्रिंसिपल्स को एक निश्चित समय प्रदान किया जाए ताकि ये बसों को दुरुस्त कर सके। तत्पश्चात एक निश्चित अभियान के तहत संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसकी कार्रवाई होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 15-17 बिंदुओं के जो निर्देश जारी किए हैं, जैसे स्कूल बस है वो येलो रंग की होनी चाहिए, प्रॉपर फिटनेस परमिट, पॉल्यूशन होना चाहिए।